तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा मेहरबान सामने तू बैठा रहे हर वेले मैं तकदीरवा आज की वीडियो बहुत डिफरेंट इस तरह से है क्योंकि मेरे अपने लिए भी बहुत डिफरेंट है और वो सब लोग जो मुझे देखते हैं वीलॉग्स जो पाकिस्तान के देखते हैं हमारे मुल्क से बाहर और बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर को देखना चाहते हैं और अपने बच्चों को बताना चाहते हैं तो ये आप पूरी वीडियो देखिए। I don't believe in love at first sight. शकल देख के प्यार हो गया, that's so shallow. But look at this face. ये शकल देख के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा? तो आज सिर्फ दिखाने के लिए मुझे अपनी वीडियो के लिए क्योंकि सहरी का आप सब लोग कह भी रहे थे तो मैंने सोचा चलते हैं करतारपुरा फूड स्ट्रीट के बारे में बहुत सुना हम लोगों को एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता था मैं सहरी के टाइम पर कभी इतना बाहर गई नहीं सहरी के जो क्लिप्स आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं वो सब आज के फ्रेश सारे विजुअल्स हैं और लेकिन मैं उतर नहीं सकी वहाँ पर मैं जो कुछ लेकर आई हूँ और जो कुछ मैंने वहाँ देखा मुझे अंदाजा भी नहीं किसी ने भी वो नहीं देखा होगा। तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा मेहरबान सामने तू बैठा रहे हर वेले तकदीरवा तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा मेहरबान ये निहारी है काले खान की निहारी है और इसके लिए आपको 2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है तो मेरा जो ड्राइवर और नवीद रात को 12 बजे चले गए थे वहाँ पर तब जाके उनको 2 घंटे के बाद टोकन लिया था उन्होंने और ये निहारी मिली उन्हें और ये चने हैं जिनका नाम है 0 मीटर चने ये भी बहुत मशहूर हैं और ये तवा चिकन है भटूरे हैं और नान हैं तो ये पता बहुत ही आज इस तरह जाके सिर्फ मैं इसलिए सब कुछ हम लोग लेकर आए क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल सहरी दिखानी थी पाकिस्तान की और जो कि मिलती है कैसी होती है वो जगह देखने वाली है बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे दिन का वक्त है या इतनी रौनक जिसकी कोई हद नहीं तो पता ये चलता है कि हम लोग बड़े ज़िंदा कौम हैं हम लोग जो हैं खुश रहना जानते हैं और जो खुश रहना चाहते हैं लोग उनके लिए खुशियाँ बहुत सारी हैं ये कोई महंगी बहुत महंगा सारा सहरी नहीं है ये एक नॉर्मल प्राइस की चीज़ें हैं ट्रेडिशनल हैं
और मजे की भी होंगी, अपने खा के बताऊंगी कि कैसी है। ये भटूरे हैं और ये नान है। निहारी है, काले खान की निहारी है भाई, नॉर्मल नहीं है ये। और ये तवा चिकन है। अच्छा, उसमें काफ़ी कुछ और भी है, सिरी पाए ये वो सब कुछ, लेकिन मैं ऐसी चीज़ को लाना नहीं चाहती थी जो फिर हम लोग खा ही ना सकूँ मैं बाद में। तो ये सब कुछ है जो हम लाए हैं और ये मैं अभी ट्राई करने लगी हूँ। तो अच्छे भटूरे हैं और सब सब कुछ देखने में तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा है, प्लीज़ ज़रा जाके इन जगहों को भी ट्राई करें। ये हमारी ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, अगर हम लोग इनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो ये सब कुछ ख़त्म होता जाएगा हमारे मुल्क से। और आपके ट्रेडिशन, आपका कल्चर ही ऐसा है जो आपको बाकी कौमों से डिफरेंट मुख्तलिफ करता है। तो लस्सी वगैरह भी वहाँ थी लेकिन वो हम लोग नहीं लेकर आए। तो ये सब कुछ है, उसके बाद में दोबारा मिलती हूँ आपसे। तो मेरे घर में ना सहरी नवीद ही बनाता है, नवीद और उसकी बेगम बनाते हैं। और वो मेरा दिल होता है कि वो 3 बजे तक आए लेकिन वो 2:30 बजे ही आता है और अपना काम शाम स्टार्ट कर लेता है। तो क्योंकि पूरा दिन रोज़ा होता है तो मैंने उसको कहा हुआ है उसकी बेगम को कि पहले तो वो आते ही मुझे एक दफ़ा चाय दे, फिर उसके बाद सहरी के बाद चाय दे, ताकि वो चाय की जो डोज है वो पूरी रहे। और उसके इस सहरी के वक्त ना मैं वही नमाज के बाद थोड़ा सा जागती हूँ, थोड़ा सा आजकल लेट सोती हूँ, उसके बाद कुछ पढ़ती रहती हूँ या जो भी कोई आप लोग भी जो कुछ करते होंगे वो सब, जो उसके बाद भी मैं थोड़ी देर जागती हूँ और फिर मैं सोती हूँ। फिर आप लोगों से वही मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। और क्लोज़ मैं इस वीडियो को सुबह करूँगी और फिर अब आपसे मिलूंगी मैं सहरी के बाद कल सुबह दिन में। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का दिखाऊं, इस्लामाबाद का आजकल मौसम क्या है, बेइंतहा खूबसूरत। ये सारे फूल जो मेरी बेल के नीचे गिरे हुए, रात को बारिश बहुत ज़्यादा थी, हवा थी, मौसम तो बहुत अच्छा हो गया लेकिन अल्लाह करे हमारी गंदम के लिए बहुत बुरी ना हो ये बारिश और महफूज रखे अल्लाह ताला अनाज को। तो मुझे ना ये अभी आएंगे माली वगैरह उसको नीट करेंगे, लेकिन ये देखिए फूल सारे इतने खिले हुए हैं और इतने तो बेचारे मुरझा गए गिर गए, लेकिन खूबसूरत हुआ हुआ है मौसम। ईद के लिए मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए जाने लगी हूँ, चीज़ें लेकर आऊँगी अभी। और शीर खोरमा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि मेरी रेसिपी है, आप वो भी ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद जो कुछ बनेगा, टेबल लेआउट और वो सब कुछ भी आहिस्ता आहिस्ता हम करते चले जाएंगे। अभी मैं जाऊंगी अपनी बहन के साथ सलून और वो भी अपने जो काम छोटा मोटा करवाती हूँ वो करवाऊंगी और फिर इंशाल्लाह बाज़ार जाऊंगी। तो मिलते हैं फिर कल किसी और चीज़ के साथ। आपके साथ मैंने सहरी की वीडियो अपनी शेयर की है, वो भी ट्राई कीजिएगा।